श्रम और लेबर के जितने भी कानून थे उन कानूनों को चार कोड्स में बदला गया है। तो वेज कोड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ कोड, फिर सोशल सिक्योरिटी कोड। जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड हम बात कर रहे हैं, 8 पुराने कानून को जोड़ के एक सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया है। ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है इसमें क्या दिक्कत है कि कोई पब्लिक इसके बारे में जो है आसानी से कोई अपना टिप्पणी नहीं रख सकता है, क्योंकि इसमें मूलभूत कुछ परेशानियां हैं और प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि ये क्या करता है कि जितने भी कानून हैं उनके सब क्लॉसेस को जोड़ के एक कानून बनाने का प्रयास है, ना कि क्या आज के दिन में लेबर की परिस्थिति क्या है, आज जो है किस किस्म के काम और नौकरियां हैं और क्या क्या उनके लिए सोशल प्रोटेक्शन चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन चाहिए, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन चाहिए, उन चीजों के बारे में ये चर्चा नहीं करता है। हम तो चाहते थे कि कोई सिंप्लीफाइड हो और यूनिवर्सल हो, ताकि हर एक लेबर को ये पता चले कि उसका सामाजिक सुरक्षा, उसका इंश्योरेंस होगा, उसका पेंशन होगा, उसको अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या खुदा ना खास्ता कहीं मर जाए तो उसका क्या कॉम्पनसेशन होगा और उसके परिवार को क्या मिलेगा। इन चीजों में कुछ ना कुछ एक क्लियर ये हो। दूसरा है, कहीं भी इस कानून में कोई पब्लिक ट्रांसपेरेंसी का कहां ये बताएंगे कि भाई किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उसका जांच हुआ, उसको पैसा मिला, वो नहीं बताता है। ना तो कोई फ्लोर बताता है कि भाई आपको इस देश में आपका सोशल सिक्योरिटी है कि आपको कम से कम 2 लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा, या इन्फ्लेशन रिलेटेड कोई अमाउंट रहेगा। मजदूर है, मजदूर के लिए इस कोड में कुछ नहीं दिख रहा है। मजदूर को क्या चाहिए, सिस्टम सिंपल होना चाहिए और कोई क्राइसिस है तो उस समय में सपोर्ट चाहिए। ये दोनों जो क्रूशियल है, जो मजदूर के लिए, लेबर के लिए, कहीं एड्रेस ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे स्कीम जो है, कोई बीडी वर्कर्स का स्कीम है तो कोई माइन वर्कर का स्कीम है, तो कोई एक बेसिक जो है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए पैमाना तय नहीं है। अगर एक मूलभूत सोर्स नहीं बदलेगा, आज के लेबर के सोशल सिक्योरिटी का सोल्यूशन चाहिए। ये क्लॉस 110A में वो आज के दिन में जो कुछ श्रमिक जो मजदूर हैं, जिनको अंग्रेजी का टर्म गिग वर्कर्स बोलते हैं, या जैसे उबर चलाने वाले या ऐसे टैक्सी चलाने वाले जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी बोलते हैं, वो उनको भी जोड़ा गया है। तो अगर भविष्य का काम का तरीका, तौर तरीका ये सब कैसे होगा, और सिर्फ हम कहते हैं कि जो है ये हम लोगों ने एक ड्राफ्ट बनाया है, इसमें जो है आप टिक मार्क करो या उसमें एक स्पेलिंग है या कोई और आप परिवर्तन चाहते हैं उसको करो, दिखाने के लिए जो है एक पब्लिक कंसल्टेशन हो गया है, क्योंकि कौन उसको एक्सेस भी कर सकता है। हम जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग जो वेबसाइट जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं और कुछ श्रमिकों की समस्याएं जानते हैं या उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक्चुअल श्रमिक इस प्रोसेस में कहीं उसका जुड़ाव नहीं दिख रहा है। ना ही कोई ऐसा बड़ा कंसल्टेशन जो चाहे वो ट्रेड यूनियंस के साथ हो या जो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तो इंडिया में 90% है, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के साथ कहीं डिस्कशन डायलॉग हो ऐसा भी कहीं नहीं दिख रहा है। जो लिविंग वेज है वो उसको जरूर मिलना चाहिए जो काम के लिए, तो अश्योरेंस ऑफ ए वेज वो भी ये सोशल सिक्योरिटी कहीं बताता नहीं है कि आपको जो है ग्रीवेंस वहां से शुरू हो सकता है कि आपको तनख्वाह ना दिया जा रहा है। आज के दिन में आप देखेंगे जितने भी लेआउट्स हो रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है कि जो है जो वर्कर्स हैं और जो वेंडर्स जो डे टू डे काम कर रहे हैं उनको लास्ट में रखा गया है जब भी पैसा देना होता है। सरकार को सीरियसली इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब जो है सिर्फ हम कानून बदल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए,
जो एंटरप्रेनर है उसके लिए भी इजी हो, क्योंकि अगर इस कोड को देखा जाए विरोधाभास है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करेगा, जो इंस्पेक्टर भी है और फैसिलिटेटर भी है, ये और भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और इसमें जो है जो एंटरप्रेनर है वो भी कई एडमिनिस्ट्रेटिव और इस पचड़े में पड़ सकता है, चाहे वो अभी कोर्ट या लीगल इसमें से आप निकाल सकते हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डेफिनेटली जो है वर्कर्स और ये लोग उसमें जूझते रहेंगे। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसका रिफॉर्म का भी नहीं है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो जाए, हॉस्पिटल तो नहीं बना रहा है मगर फंड उसका कई इक्विटीज में लगा हुआ है और रिस्की इक्विटीज में लगा हुआ है। रियली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो कैसे प्रोडक्शन सिस्टम्स होने चाहिए, उसके हिसाब से क्या लेबर है और उनका क्या सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, और आज के दिन में क्योंकि जो एनवायरमेंटल इश्यूज वर्किंग एरियाज में वर्किंग कंडीशंस में भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं, तो एनवायरमेंटल और जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनको कैसे मिले, इसके बारे में गहराई से सोच के एक लेबर फ्रेंडली एंड एंटरप्राइज फ्रेंडली प्रोसेस बनाए, ताकि स्मॉल इंडस्ट्रीज और यू नो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज ये लोग जो है उभर सके, क्योंकि सिर्फ प्रक्रिया खत्म करने से जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू।